दोस्तों ड्रीम गर्ल ने तो वाकई में कमाल कर दिया, धोती को फाड़ कर रुमाल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, चेहरे पे स्माइल इसलिए है कि ड्रीम गर्ल 2 का थर्ड डे कलेक्शन बहुत बढ़िया आया है और ये कलेक्शन आपको बताते हुए मुझे भी काफी अच्छा और प्राउड फील हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ड्रीम गर्ल 2 के बारे में बात करेंगे और ये कलेक्शन किस तरह से हुए हैं वो हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट डे 10.69 करोड़ का कलेक्शन था इसका, 10 करोड़ 69 लाख का। दूसरे दिन कलेक्शन था 14 करोड़ 2 लाख का और तीसरे दिन कलेक्शन था ड्रीम गर्ल 2 का 16 करोड़ तक का, 16 करोड़ तक का कलेक्शन। और 3 दिन का टोटल हो चुका है इस फिल्म का 40.71 करोड़, 40 करोड़ 71 लाख। यहाँ पर मैंने आपको बार बार कहा है कि फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, फिल्म का बजट मैं कम से कम 50 करोड़ मान के चल रहा हूँ। और अगर फिल्म का बजट 50 करोड़ के आसपास है, मिनिमम, बहुत मिनिमम ही बोल रहा हूँ, तो फिल्म ऑलरेडी अपने प्रॉफिटेबल जोन में आ जाएगी ये हफ्ता ख़त्म होते होते। और मुझे लगता है कि ये फिल्म को एक हिट का टैग ज़रूर मिल जाएगा, अब मुझे इतना यकीन हो चला है। जवान आने तक इस फिल्म के पास आज से लेकर 10 दिन बाकी है और इस 10 दिनों में ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है जो रुबाब में है 70-80-90 करोड़ तक आराम से चली जाएगी। और मुझे लगता है उसके बाद भी कैसी भी तरह से किसी भी तरीके से ये फिल्म 100 करोड़ कर लेगी, ऐसा मुझे विश्वास है इस फिल्म पर। क्योंकि अभी जो फ्राइडे सैटरडे संडे आएगा उस दिन, उस समय ये फिल्म फिर उछाल मारेगी और ऐसे में ये फिल्म को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लग रही है, बॉलीवुड जो ऑलमोस्ट सो गया था पठान के बाद, 8 महीने बाद जागा है रॉकी की रानी प्रेम कहानी, गदर 2, ओ माय गॉड 2, उसके बाद ऐसी फिल्मों के साथ साथ घूमर, तो ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और बॉलीवुड की पूरे तौर पर वापसी हुई है और जो यूट्यूबर साउथ की चाटते चाटते आगे बढ़ रहे थे उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। तो कुल मिलाकर कितना भी कुछ भी कर लो आप, फर्क नहीं पड़ता, जो जनता है ना 140 करोड़ प्लस जो जनता है हमारी, उसे पता है क्या देखना है, कैसे देखना है, आप उन्हें सिखाओ मत, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। 40.71 करोड़ इज द कलेक्शन, कल फिल्म ने 16 करोड़ की कमाई की, जरूर बताएगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो।